हेलो फ्रेंड्स, मुग्धा कुक हाउस में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट स्नैक, जो कि टेस्टी तो है ही है और साथ में बहुत ही हेल्दी है और साथ में खूब सारी चीज़ और वेजिटेबल्स और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट है, जो कि पालक और ओट से बना होता है ये पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही हेल्दी है। मेरे बच्चों को तो ये पसंद ही है। आई होप आपके बच्चों को भी ये पसंद आएगी। रेसिपी शुरू करने के पहले यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ हमने एक कप ओट्स लिया है, जिसे हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है। फिर एक कप हम सूजी लेंगे, फिर हाफ कप जो है हम दही डालेंगे और सॉल्ट एज पर टेस्ट, हाफ टी स्पून जो है चिली फ्लेक्स और वन कप वाटर से इसे के साथ इसे हम मिक्स कर लेंगे। और पता है मेरा बेटा जो है ना, छोटा बेटा, वो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं खाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सारी सब्जियों को एकदम बारीक काट करके और सब कुछ हर चीज़ में मिला देती हूँ। तो यहाँ मैंने सेम पिज़्ज़ा बेस में ही मैंने कैरेट को ग्रेट जो मतलब बारीक काटा है उसको डाल दिया है, कैप्सिकम भी डाल दिया है और उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया। और अब जो है मैं खूब सारे स्पिनिच ले रही हूँ, मतलब पालक को ले रही हूँ, और इसको भी फाइन ग्राइंड कर लूँगी। इसका मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है और इस पेस्ट को भी हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। इससे क्या होता है ना कि बच्चे ऐसे तो पालक छूना नहीं चाहते हैं, तो पिज़्ज़ा तो ऑब्वियसली इन्हें पसंद आता है, तो हम इसके थ्रू हम खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के बना के खिला सकते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि अंदर वेजिटेबल्स पड़ा है। तो हम इस पालक को इसमें पूरा मिक्स कर देते हैं। और इसके पहले, अगर आपको मेरी सच में रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए हमने बैटर को मिक्स कर लिया है और उसे थोड़ी देर के लिए ढक करके हम साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और हमारा बैटर अब फूल गया है। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और इस पैन को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा बैटर जो है इस पैन में हम डालते जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पैन या तवे पर भी छोटे छोटे से ऐसे कलछल से डाल करके ना क्वाइन जैसा बना सकते हैं। फिर उसको फैलाते हुए, जैसे मैं डाल रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आपको पैन और तवे पे भी करना है, उस पर भी आराम से ये बन जाता है। अब हमने सारे बैटर को इसमें डाल दिया है, थोड़ी देर के लिए इसे हम ढक देंगे। ये देखिए हमारा हल्का हल्का सा ये पक गया। मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है, करीब हाफ टी स्पून, बहुत ही ड्रॉप ड्रॉप थोड़ा थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। फिर हम इसे कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हमें क्या करना है, एक नाइफ की मदद से चारों तरफ मैं इसे छुड़ा लेती हूँ, साइड साइड से जो चिपका है ना उसको छुड़ा लेती हूँ और इसे धीरे धीरे करके पलट देंगे। अब जो हमने इस बेस को पलट दिया है तो इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस या तो आप मेयोनीज में सिजवान चटनी मिक्स करके लगा दोगे तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने तो मेयोनीज में सिजवान चटनी मिलाया है और इसको स्प्रेड कर दिया है। फिर इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा कैप्सिकम, जो भी कलर आपके पास है, मेरे पास अभी येलो और रेड ही अवेलेबल था तो मैंने इसी को डाला है, इसको लगा दिया है। फिर उस पर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। ये देख के कितना अच्छा लग रहा है ना, बच्चों को सच में बहुत पसंद आती है। और एक्चुअली जब बच्चों को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है ना, हम जब पिज़्ज़ा देते हैं मैदे वाला, तो बहुत ही गिल्ट फील होता है, यार हम मैदा दे रहे हैं, पर ये बिल्कुल हेल्दी पिज़्ज़ा है, बच्चे भी मन से खाएंगे और जो है उन्हें बहुत पसंद आने वाली है। अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे और फिर से इसे कवर कर देंगे जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा बेस हुआ है या नहीं। हमारा हो गया, अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो गया है, मिनी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही प्रोटीन रिच
और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखना। ऊपर से थोड़ा हम मेयोनीज इसके ऊपर डाल देते हैं और हम बच्चों को फिर सर्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।